डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2024-25 का किया स्वागत। कहा, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा बजट। शिवराज सिंह चौहान ने बजट को करार दिया विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला। कहा, बजट से किसानों को होगा दीर्घकालिक लाभ, प्राकृतिक खेती को भी मिलेगा बढ़ावा। और कई राज्यों में मूसलाधार मॉनसून, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिनमें कृषि और उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल शामिल हैं। बजट में कृषि और किसान कल्याण को बेहद प्रमुखता दी गई है। आइए एक नजर डालते हैं बजट में इससे जुड़े अहम प्रस्तावों पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं को समर्पित रहा। अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने की मोदी सरकार की प्राथमिकता बजट में साफ दिखाई देती है। किसानों के कल्याण की ये प्रतिबद्धता इस बात से समझी जा सकती है कि सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए बजट में जो 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उनमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता सबसे पहले नंबर पर है। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 8 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। Our government will undertake a comprehensive review of the research, agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. बजट में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागबानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली अनुकूल किस्मों को जारी करने की भी घोषणा की गई है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों की मदद का भी ऐलान किया है। In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट में जोर दिया गया है। इसके लिए सरकार कार्यनीति तैयार कर रही है। बजट में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाने की घोषणा की गई है। लार्ज स्केल क्लस्टर्स फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन विल बी डेवलप्ड क्लोजर टू मेजर कंजम्पशन सेंटर्स। वी विल प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन्स, इंक्लूडिंग फॉर कलेक्शन एंड स्टोरेज एंड मार्केटिंग। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करते हुए बजट में राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने का भी ऐलान किया गया है। ड्यूरिंग दिस ईयर डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ यूजिंग द DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth
based किसान क्रेडिट cards will be enabled in 5 states. झींगा ब्रूड स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी बजट में शामिल है. झींगा उत्पादन प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार ने बजट में राष्ट्रीय सहकारिता नीति का भी ऐलान किया. नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी. आवर गवर्नमेंट विल ब्रिंग आउट अ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर फास्ट ट्रैकिंग ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. Modi 3.0 के पहले बजट में कृषि एवं किसान कल्याण को जो प्राथमिकता दी गई है उससे स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण भारत का जीवन बेहतर बनाने और कृषि विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. संदेश साफ है कि विकसित भारत की यात्रा में ग्रामीण भारत विशेषकर अन्नदाता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया है. उन्होंने बजट को किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान कराने वाला बताया. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लगातार 7वीं बार के बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे पहले बजट को पेश कर दिया है. पेश करने के बाद इसमें गांव, गरीब और किसानों के लिए किस तरह की सहूलियतें हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान. सर, सबसे पहले हार्दिक बधाई. आपका जो मोटिवेशनल विजन था उसको बजट में रेखांकित किया गया, क्या कहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ. क्रांतिकारी बजट आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है. ये विकसित भारत के निर्माण का बजट है जिसमें समाज के हर वर्ग का, किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उद्योग हो, नौजवान हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है. ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है. और विशेषकर इस बजट में कृषि, किसान और ग्रामीण विकास के लिए अनेकों क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं. भारत की कृषि के लिए बजट वरदान है. एक तो इस बजट में उत्पादन बढ़ाने के लिए, आज समस्या है क्लाइमेट चेंज के कारण, बढ़ते हुए तापमान के कारण उत्पादन बहुत प्रभावित हुआ है और इसलिए चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, वो जलवायु अनुकूल हो, इन परिस्थितियों में उत्पादन बढ़ाए, टिक पाए, इसलिए 109 नई किस्में विकसित करके जारी की जाएंगी. इस बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है. इससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लागत घटेगी. इस बजट में किसानों को सस्ता ऋण मिले, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर, उसका प्रावधान किया गया है. उनको फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती रहे, इससे भी उत्पादन की लागत घटती है. 1,66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने की व्यवस्था इस बजट में की गई है. और उत्पादन का ठीक दाम किसान को मिले, इसके लिए इस बजट में MSP के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है. खरीफ की फसलों के लिए अभी अभी MSP घोषित की गई है और विशेषकर MSP भी ऐसे ही घोषित नहीं की, उत्पादन की लागत पर 50% फायदा मिले किसान को, लाभ हो, उस हिसाब से MSP की रेट घोषित, MSP की दरें हमने घोषित की थी.
तो इससे किसान को ठीक दाम मिलेंगे। दलहन और तिलहन में भारत आत्मनिर्भर बने और किसान को ठीक दाम मिले, और इसलिए तुअर, तूर भी बोलते हैं, अरहर भी बोलते हैं, मसूर और उड़द एमएसपी पर खरीदने के लिए जितना उत्पादन किसान करेगा और रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको खरीदने की व्यवस्था है। प्राकृतिक खेती और एक क्रांतिकारी कदम है। प्राकृतिक खेती पर बल दिया गया है, खेती में सहायता सब्सिडी देने के प्रावधान से लगा के, फिर वो जो उत्पाद पैदा करेंगे उसकी मार्केटिंग भी और उसके साथ साथ प्रमाणीकरण भी, ताकि ठीक दाम मिल सके कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है, उसकी व्यवस्था भी इस बजट में पर्याप्त मात्रा में की गई है। ग्रामीण विकास के लिए बजट वरदान है। अपना हिंदुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गांव में, तो गांव के विकास के लिए और ग्रामीण गरीब को रोजगार के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो मनरेगा में, लेकिन मनरेगा के साथ साथ ग्रामीण सड़कों पर बल दिया गया है। 50,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा जो लगभग 25,000 बसाहटों को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करने का काम करेगा। गरीबों को घर, एक तो फ्री में अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, लेकिन घर मिले, इसलिए 2 करोड़ घर तो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, उसका प्रावधान किया गया है। और ग्रामीण घरों के साथ साथ हमारी बहनें और बेटियां, उनका सशक्तिकरण हो, इसलिए आजीविका मिशन NRLM पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी, मतलब जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपया से ज़्यादा होगी। उसके साथ साथ ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है, बजट में उसके लिए भी प्रावधान है। तो कुल मिला के ये बजट गांव, गरीब, किसान, महिला सशक्तिकरण, नौजवान, ओवरऑल युवाओं के रोजगार पर ध्यान इस पर दिया गया पूरा, लेकिन उसके साथ साथ उद्योग और भारत के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। अगर कृषि की बात करें, 1.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ इसको बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर आपने इसमें काफ़ी प्रयास किए जो सार्थक रहे। भविष्य में कृषि की तस्वीर अब किस तरह देखेंगे? इसमें कृषि की तस्वीर भी बदलेगी, किसानों की तकदीर भी बदलेगी। 1,52,000 करोड़ रुपये का प्रावधान तो सीधे कृषि विभाग के अंतर्गत है, लेकिन फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो 1,66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होगी, वो भी किसानों के लिए, ताकि सस्ता खाद मिल सके किसानों को, इसमें प्रावधान किए गए। आप कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर लगातार जोर देते रहे, 2.66 लाख करोड़ का जो बजट है, बुनियादी ढांचा और संस्थागत विकास में कितना मददगार साबित होगा ग्रामीण क्षेत्र में? नहीं, जैसे मैंने बताया, मनरेगा से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी, रोजगार भी मिलेंगे, परमानेंट असेट्स भी क्रिएट होंगे, और बाकी चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मकान का सवाल हो, या रोजगार के प्रयत्न हो, वो सब ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेंगे। तो ये केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका मानना है कि 2024-25 के इस बजट के जरिए एक और जहां सर्वस्पर्शी और समावेशी काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया है। उन्होंने बजट को किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाला बताया। बजट में किए गए प्रावधानों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के सातवीं बार के बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के
तीसरे पहले पूर्णकालिक बजट को पेश कर दिया है। इस बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए कई तरह की नीतियां और योजनाओं का प्रावधान किया गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। किसानों का कल्याण और विकास केंद्र की प्राथमिकता रहा है और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो बजट में भी दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बजट पर? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो 10 साल में उन्होंने जो काम किया है, वास्तव में इस देश का विकास तो हुआ ही है परंतु दुनिया में हमारे देश की साख बढ़ी है और विशेष तौर से किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाताओं के लिए उन्होंने 10 साल में जो काम किया, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे मृदा योजना की बात हो, चाहे मिट्टी परीक्षण की बात हो, किसान को किस तरह से उनको मदद की जाए उनके लिए 10 साल में जो उन्होंने काम किया है वास्तव में बेहतरीन है। और इस बजट में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वास्तव में ये सबके लिए, सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए, गरीब, गांव, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, उन सब के लिए कोई ना कोई इसमें प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री की जो संकल्पना है विकसित भारत 2047 का भारत बजट, ये जो प्रावधान है कहीं कहीं कृषि के विकास की दूरगामी सोच को दर्शाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने 2047 का रोड मैप को लक्ष्य लेके ये जो बजट पेश किया गया है और मैं कह सकता हूँ कि ये बजट दूरगामी परिणाम निकलेंगे इसको। 10 साल में देखिए आप, 25 करोड़ से ज़्यादा जनता, जनसंख्या या गरीबी रेखा से बाहर निकली है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्यकाल में 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है, ये हमारे अन्नदाताओं के ताकत के पीछे मोदी जी की, आज मोदी जी ने जो मोटिवेट किया किसान को समृद्ध करने के लिए कोशिश की, उसी का ये फल है। और प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि इस देश का किसान समृद्ध होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कृषि के 1.52 लाख करोड़ के बजट के अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए भी अलग से बजट दिया है। आपने ICR फाउंडेशन डे पे भी जिक्र किया कि तकनीक इतनी ज़्यादा भी न हो कि कहीं हम उसका नुकसान न झेल पाएं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तो बजटीय प्रावधानों में भी इसका रखा गया। देखिए, इसलिए प्राकृतिक खेती कैसे हो, ऑर्गेनिक खेती कैसे हो, उस पर प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों के लिए एक लक्ष्य रखा है इस बजट में कि 1 करोड़ किसानों की वो ऑर्गेनिक खेती करें, वो प्राकृतिक खेती करें, ताकि किसान की आमदनी भी बढ़े और जो दुष्प्रभाव जो हो रहे हैं उससे भी बचाया जा सके। तो ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिनका मानना कि निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट न केवल सर्वस्पर्शी और समावेशी है बल्कि कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 की विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने वाला भी है। मेरे से कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बजट में कृषि और किसान कल्याण से संबंधित क्या प्रस्तावित है और उससे किसानों को किस तरह से लाभ होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और कृषि और प्राकृतिक संसाधन अर्थशास्त्री डॉक्टर परशुराम पाटिल से। डॉक्टर पाटिल, बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है जिसमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है, इससे किसानों को कैसे और कितना लाभ होने वाला है? धन्यवाद। पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इस बजट को किसानों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। ये सारा बजट किसानों को फोकस में लाके बनाया गया है, इसलिए यह फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। अगर आप सारे इस बजट के किसानों के संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे तो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। इसमें जो अलग अलग चीजें हमें भविष्य में करने की जरूरत है उनको मद्देनजर रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। जैसे कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने की, इसको एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की गई है, प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाने की बात की है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट एक्सेस, सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करने की बात की है। तो ये सारी चीजें कृषि को, किसान की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप हमारी सप्लाई चेन इंक्रीज नहीं होगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी, जब तक हम अब ज्यादा से ज्यादा R&D के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तब तक किसान की इनकम बढ़ने में बहुत चैलेंजेस आएंगे।
तो उस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को बनाया गया है, इसलिए बहुत सारी जो जो आवश्यक बातें होने की जरूरत है कृषि में, वो सारी बातें इस एग्रीकल्चर बजट में करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ज्यादा पॉजिटिवली किसानों के इनकम के ऊपर इम्पैक्ट करेगा और इस बजट से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कृषि के सेक्टर पे होंगे। और जो हमारा माननीय प्रधान जी का जो सपना है तो विकसित भारत को बनाने के लिए, इसमें कृषि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी और इसका सीधा सीधा असर जो है वो किसानों का इनकम बढ़ाने में होंगे। जी डॉक्टर पाटिल, जैसे कि भारत सरकार ने लगातार प्राकृतिक खेती पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इस बार जैसा देखा जा रहा है बजट में भी इस पर ख़ास तौर से जोर दिया जा रहा है, तो ये बजट जो इसे इसका सभी ने स्वागत भी किया है और साथ ही साथ इस बजट को क्रांतिकारी कहा जा रहा है, आगे भविष्य में कृषि के क्षेत्र में और ख़ास तौर से प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में क्या देख रहे हैं आप, क्या किस तरह से तस्वीर बदलेगी, कितना ज़रूरी है नेचुरल फार्मिंग? यस, भारत जैसे देश जो अभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसका सलूशन है नेचुरल फार्मिंग। इसलिए मैं इस सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है। नेचुरल फार्मिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी देखेंगे, सॉइल पोल्यूशन देखेंगे, जो अलग अलग इन्वायरमेंटल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे फूड के ऊपर, इसलिए हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर जाने की जरूरत है। और जैसे ही इस बजट में 1 लाख फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के अंडर लाने की बात कही गई है, विजन किया गया है और ये सारे नेचुरल फार्मिंग नेचुरल प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके उसके ब्रांडिंग की भी बात की गई है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज है कृषि में। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी सीधा सीधा इसका असर जो है हमारे इन्वायरमेंट और हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। और इसमें सर्टिफिकेशन की और ब्रांडिंग की बात की गई, इसके वजह से किसानों को इसके लिए प्रीमियम दाम भी मिलेंगे, तो ये विन विन सिचुएशन है, इसकी होने की जरूरत थी और ये बहुत बड़ा चेंज है कृषि को मद्देनजर रखते हुए। और इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप होने में ये नेचुरल फार्मिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जी डॉक्टर पाटिल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, लेकिन प्राकृतिक खेती के साथ साथ आधुनिकीकरण उसकी भी बहुत ज़रूरत है कृषि के क्षेत्र में, ताकि आगे चलकर जो किसान है वो भारत के बुनियादी ढांचे को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सके। साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनकी तरफ भी बहुत जोर दिया जा रहा है, तो इस बजट में ऐसा क्या खास है जो किसानों को आकर्षित करेगा कि वो कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा जाएँ? ये बजट में सीधा सीधा सप्लाई चेन की बात की गई है, सीधा सीधा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बात की है और इस बजट में सीधा सीधा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की बात की है। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर को और किसानों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े प्रमाण डेवलप करने की ओर लेके जा रहा है। इससे होगा क्या, इससे जो नई नई चीजें कृषि में आने की जरूरत है, जैसे कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मार्केट एक्सेस को ज्यादा जोर देना है, इसमें हम सप्लाई चेन को ज्यादा स्ट्रेंथन करना है और जो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करें, जिससे हम क्रॉप एस्टिमेशन सही तरीके से होगा, लैंड डिजिटाइजेशन सही तरीके से होगा, लैंड रिकॉर्डिंग सही तरीके से होगा, जो भी जो किसानों के संबंध स्कीम भारत सरकार लाना चाहती है वो सही से किसानों के तरफ पहुंचेंगे। तो ये सारा बजट भारतीय कृषि को और भारतीय एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बेस है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर बेस की तरफ जा रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन की बात करें, जैसे कि हमने इस बजट में वेजिटेबल क्लस्टर डेवलप करने की बात की है, जैसे कि हमने इसके हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की बात की है, तो ये सारी चीजें हैं जो कृषि को मॉडर्न एग्रीकल्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा है और इसके वजह से हमारे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इंप्रूव होंगे, इसके वजह से हमारा प्रोसेसिंग इंक्रीज होगा, वैल्यू एडिशन इंक्रीज होगा, इसके वजह से मार्केटिंग और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और इसमें हमने खास तौर पे कॉपर्टीज और एपीओ की भी बात की है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा इनकम शेयर है वो फार्मर्स को चला जाए। तो मुझे लगता है इस नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है।
खास तौर से ये बात भी की जा रही है कि 10,000 के करीब बायो रिसोर्स सेंटर भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे और इससे प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जब वो प्रोडक्शन में उत्पादकता में बढ़ावा मिलेगा कि कृषि क्षेत्र में भारत को, तो विश्व पटल पर इसका क्या आप अंतर देखते हैं? भविष्य में भारत के किसान विश्व में अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से पेश कर सकेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम किसान का इनकम दो तीन चीजें से बढ़ा सकते हैं। एक तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए ताकि सीधा सीधा उसका प्रोडक्शन पे असर हो और उसका प्रोडक्शन बढ़ने की उसकी लागत कम हो जाए, और दूसरा हम इसको प्रोसेस करें, वैल्यू एडेड करें और इसको एक्सपोर्ट करें या फिर डोमेस्टिक मार्केट है। ये दो तीन चीजें से हम एक अच्छा इकोसिस्टम एग्रीकल्चर इकोनॉमी का डेवलप कर सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को बेनिफिट हो जाए। इसमें जैसे हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो नेचुरल फार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है बायो इनपुट। जो इनपुट है, अगर वो सारे इनपुट जो बायो फर्टिलाइजर से और जो अलग अलग बायो बायो पेस्टिसाइड से, अगर ये सारी चीजें अगर हम ग्राउंड लेवल पे ही बनाए या फिर ग्रास रूट लेवल पे ही बनाए बायो रिसोर्स सेंटर के तरफ से, तो इसका दो चीजें होंगी। एक तो किसानों को ये सीधा सीधा मिल जाएगी कम दाम में और किसान भी खुद सीख लेंगे ये कैसे बनाना है, तो इसका सारा सारा इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज के ऊपर होगा। तो ओवरऑल एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होने में इसकी मदद होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा हम हमारे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, प्रोडक्शन इंक्रीज करें और इसका सीधा सीधा असर किसान की लागत कम होने पे हो और किसान का इनकम बढ़ने पे। तो प्राइस कॉम्पिटिटिव हमारा बढ़ेगा और प्राइस कॉम्पिटिटिव बढ़ने की वजह से हमारे जो उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ते जाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्राइस कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं इस बजट को एक दूरगामी दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट भारत के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पे होगा, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म पे होगा, हमारा जो सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी होगा, तो बहुत अच्छा है। जी धन्यवाद डॉक्टर पाटिल, आपने इतनी जानकारी दी और हमें समझाने में मदद की कि ये बजट कितना लाभदायी है हमारे किसानों के लिए और किसानों के आगे भविष्य के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर और आसपास के कुछ इलाकों में आज बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव कुछ राज्यों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है, इनमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा के मैदानी भागों में भी अगले दो दिन में बारिश का प्रसार बढ़ने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिन वर्षा की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश, केरल और माहे, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।